सर मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, आपका नाम? राशिद सलीम। राशिद सलीम जी। राशिद सलीम जी, आप यहाँ आइए, पार्लियामेंट आए हैं, तो आपका आने का क्या उद्देश्य है? हमारा यहाँ पर आने का उद्देश्य ये है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दें और सही मायने में दें। असल में डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर लोगों ने फायदे उठाए और फायदे उठाना लग रहे हैं, इससे लोगों को सावधान होना चाहिए। अपना इसलिए नहीं मानना चाहिए कि उसने अपने उसमें जन्म ले लिया है, बल्कि इसलिए मानना चाहिए कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को और जिस तरह से वो कभी बिके नहीं, इसी तरह से कभी बिके ना, और आज पूछिएगा मत बिक रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ बिक रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था दुश्मन और दोस्त को पहचान के चलो, आज दुश्मन और दोस्त की पहचान खत्म हो गई है। जो दुश्मन थे आज दोस्त हो रहे हैं, उनके उनकी गोद में जा कर के बैठ गए हैं, उनकी बोली बोल रहे हैं, उनके मंत्रों को बोल रहे हैं, उनके कामों को कर रहे हैं। जब तक ऐसा होता रहेगा तो बाबा साहब को मारते रहेंगे। बाबा साहब का जन्मदिन सिर्फ इस देश में बार बार पूरे महीने मनाया जाता था, तो उन्होंने भी कहा हम भी बार बार मारेंगे। 6 दिसंबर 92 को बाबा साहब को मारा, और हर दफ़े मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा साहब जिंदा रहेंगे, जिंदा, और वो जिंदा दिल हैं। उनका संविधान बचाओ, अगर उनका संविधान ठीक प्रकार लागू कर दिया जाए तो कोई ताकत नहीं कि यहाँ पर सांप्रदायिकता उठ सके, लेकिन आज उनके संविधान को तहस नहस किया जा रहा है। देखिए, ये ऐसे वैसे मुद्दे उठाते हैं जिनका कोई सरोकार नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जो ये ढंडोरा पीटते हैं, कहते हैं हम वैदिक धर्म को मानते हैं, मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ किसके घर में वेद हैं? वेद नहीं है किसी के भी घर में। मैं यमुना विहार में रहता हूँ, पूरे किसी के भी हिंदू धर्म जो अपने को वेदों के मानने वाले कहते हैं, किसी के भी घर में वेद नहीं है। धार्मिक ये मुद्दे उठाते हैं, किस तरह उठाते हैं, लोगों को पता नहीं है, मूल ग्रंथों का पता नहीं है। मूल कभी गाय का मुद्दा उठाते हैं, गाय के बारे में मूल ग्रंथों में क्या लिखा है कभी पढ़ा है? मनुस्मृति में क्या लिखा है पढ़ा है? मनुस्मृति में जहाँ जातिवाद और ऊंच नीच की बात कही है, वहाँ गाय के बारे में भी लिखा है। और मैं आज इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, मनुस्मृति क्या है? लोगों ने नाम तो सुना है, ना तो पढ़ा है और ना पढ़ते हैं। मनुस्मृति क्या है? हिंदू धर्म के बहुत सारे ग्रंथ हैं, एक नहीं अनेकों ग्रंथ हैं, उस हर ग्रंथ में थोड़ा बहुत आचरण नियम बताए गए हैं, तो उन सबको उन्होंने मनु ने इकट्ठा करने की कोशिश उसमें की है, सारे धर्मों का निचोड़ उसमें लाने की कोशिश की है कि हिंदुओं को क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस आदमी के साथ कैसा बर्ताव करना है, उसमें शूद्रों के साथ बर्ताव भी लिख दिया है। जाति के नाम पांचवें अध्याय में पढ़िए, आज ये किस आधार पर कहते हैं, सारे में ये लिखा है, मांस खाना है, खाना है, खाना है, और जो नहीं खाएगा वो पापी होगा। पढ़िए 5वां अध्याय, मैंने पढ़ी है, कोई मेरे से डिबेट कर ले इस बात पर। और 10वें अध्याय में लिखा है कि भारद्वाज मुनि ने बृदु नामक तरखान की गायों को, कई गायों को, अनेकों गायों को, अनेक वर्ड है, अनेक गायों को काट काट करके खाया। तो ये किस वजह से कहते हैं? क्योंकि धर्म के नाम पर धर्म की जो मूल पुस्तक है उनको तो दफना दिया है, और ये छुट भैये वो धार्मिक नेता बन गए हैं और धर्म के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं। हमारे लोगों का मुख्य भोजन दी चमार में पढ़ लीजिएगा, काव ईटर हैं, हम काव के गाय के खाने वाले हैं, दी चमार में लिखा है। और ये हमारा भोजन, यानी हमको भोजन ये देखेंगे कि तुम्हारी हंडिया में क्या पक रहा है, ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? अगर हमारे घर में कुछ पक रहा है, उसको मार दिया गाजियाबाद वाले को, और रिपोर्ट भी आई कि गाय नहीं था, फिर भी मार दिया, फिर रिपोर्ट बदलाई गई, तो ये क्या हो रहा है?
ये संविधान को तहस नहस किया जा रहा है। संविधान ये है कि तुम अपने तरीके से जियो, हम अपने तरीके से जाएं। जी मैं, और यही हिंदुत्व था, आज हिंदुत्व नहीं रहा, आज तो इनके कहने ये जो ये कहते हैं वो हिंदुत्व हो जाएगा, हिंदुत्व वो नहीं है। ये सबको लेकर चलने की भावना का नाम था और सबको लेकर के चलते थे। यहाँ डिबेट होती थी और धर्म के नाम पर डिबेट होती थी, बुद्ध धर्म की डिबेट हुई और जो हार जाता था वो सबके धर्म ग्रहण। आशीष जी, संविधान को आपने बताया कि संविधान पे ऐसा हो रहा है, संविधान को कैसे बचाया जा सकता है? मेन बात अब इस पे आती है कि सभी लोग चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, संविधान को कैसे बचाया जा सकता है? संविधान को बचाने का एक ही तरीका है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये संविधान को ख़त्म करने पर लगे हुए हैं, इनको सत्ता से हटाया जाए, यही एक तरीका है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, मैं लगा लपटी नहीं कर रहा हूँ। इनको अगर सत्ता में बैठे रहने दिया गया जैसे और इलेक्शन आ रहे हैं तो ये संविधान को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। आज आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं, कैसे ख़त्म कर रहे हैं? बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन ला दो, आरक्षण ख़त्म।